हरियाणा में 5 अक्टूबर को नई सरकार के गठन के लिए वोटिंग होने जा रही है। ऐसे में हरियाणा की सभी 90 सीटों पर चुनाव मैदान में उतरे विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों और आजाद उम्मीदवारों ने अपनी जीत पक्की करने के लिए पूरी ताकत चुनाव मैदान में झोंक दी है। बात अगर 90 की 90 सीटों में से सबसे बड़ी हॉट सीट की बात करें तो इस समय लाडवा विधानसभा सीट सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। इसकी मुख्य वजह इस सीट पर कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का चुनाव लड़ना है। प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री और भाजपा प्रत्याशी नायब सिंह सैनी जहां भाजपा के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं, वहीं उन्हें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के टिकट पर इस बार युवा और पढ़े लिखे उम्मीदवार जोगा सिंह चुनाव मैदान में हैं, जिन्हें प्रतिदिन 15 से 20 कार्यक्रमों में जनता का भारी समर्थन मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन 20 से 25 कार्यक्रमों में प्रतिदिन जोगा सिंह भाग ले रहे हैं, उन सभी कार्यक्रमों में बच्चों, युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों की व्यापक भागीदारी देखने को मिल रही है। लोगों को जोगा सिंह का भाषण, उनकी कार्यशैली और उनका व्यवहार बेहद पसंद आ रहा है। जोगा सिंह अपने भाषण में जहां बीते 10 वर्षों में भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुई कमियों को जनता के सामने रख रहे हैं, वहीं प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर केजरीवाल की 5 गारंटियों के लाभ भी बता रहे हैं। वे लोगों को दिल्ली और पंजाब में सत्तासीन आम आदमी पार्टी की सरकार में जनता को मिलने वाले लाभों से भी जानकारी दे रहे हैं। जोगा सिंह को लाडवा हलके की शहरी और ग्रामीण जनता का भरपूर समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है। वे जनता से आम आदमी पार्टी के चुनाव निशान झाड़ू के सामने वाला बटन दबाकर 5 अक्टूबर को उन्हें भारी मतों से जिताने की अपील कर रहे हैं। उनकी इस अपील का खासा असर भी देखने को मिल रहा है, जिसके चलते लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जोगा सिंह का कहना है कि बीते 10 वर्षों में भाजपा के कार्यकाल में लाडवा हलके की काफी अनदेखी हुई है। जहां पहले 2014 से 19 में डॉक्टर पवन सैनी लाडवा से विधायक थे और वे भाजपा सरकार में थे, उसके बावजूद भी लाडवा का समुचित विकास नहीं हो पाया, जिसकी लाडवा को जरूरत थी। अगले 2 वर्ष 2019 से 24 तक मेवा सिंह कांग्रेस पार्टी की ओर से लाडवा के विधायक रहे। उनके कार्यकाल में भी लाडवा का विकास नहीं हो पाया, क्योंकि वो ये कहकर लोगों की मांगों को टालते रहे कि उनकी सरकार नहीं है। ऐसे में वे लाडवा की जनता से अपील कर रहे हैं कि प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार लाओ और दिल्ली और पंजाब की तरह हरियाणा को भी खुशहाल बनाओ। जोगा सिंह के चुनाव प्रचार में आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। सभी कार्यक्रमों में युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं का आशीर्वाद और समर्थन जोगा सिंह को भारी संख्या में मिल रहा है। लोग नारे लगाकर कहने लग गए हैं कि जोगा सिंह तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या क्या बांटने के लिए आएंगे, मैं आपसे एक बात कहूंगा, जो आपको पैसे देने आए उसे ले लेना, क्योंकि ये आपका ही लूटा हुआ पैसा आपको वापस आ रहा है। पैसे उनसे ले लेना पर वोट हमारे को डालना। क्यों? अगर आप अपने चाहते हैं कि आने वाले आपके 5 साल, क्योंकि हर 5 साल बाद हमारा संविधान जो है उसमें लिखा हुआ है कि हर 5 साल के बाद वोटिंग होती है, 5 साल के लिए हमको चुन लेना, 5 साल के बाद हम आपसे वोट मांगने नहीं आएंगे, आप हमें खुद वोट देने आएंगे। हम ऐसा